नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 10 देख रहे हैं आप और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले एक घंटे हम बात करेंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों की, जिसमें खासतौर पर बात होगी, सीधे तौर पर देखा जाए तो आज के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि ईडी आगे भी रिमांड को ले, तो उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार बनी हुई है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज जो ये सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है वो आज खत्म हो जाएगी और इस पर स्थिति साफ हो जाएगी। तो इन दोनों ही नजरों पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन साथ ही अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान, सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट कर दी सफाई। बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमला, इलाके में कई बम धमाकों की भी खबर। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। और अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहिर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है, जिन्होंने कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम सभी को महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करें। और वहीं करारा पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 सालों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेत्री तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए, हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए, साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना रनौत के बारे में कथित तौर पर एक अपमानजनक पोस्ट साझा किया था। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट को बाद में हटा लिया।
वहीं इस पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कार्रवाई की मांग की थी। और वहीं अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद पर बढ़ने के बाद में श्री नैत ने पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई पेश की। सुप्रिया श्री नैत ने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने ये बेहद अनुचित पोस्ट किया। जैसे ही मुझे पता चला मैंने वो पोस्ट हटा दिया। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के प्रति व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकती। और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। और वहीं कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री नैत के पोस्ट पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस की ऐसी सोच है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, क्या कांग्रेस के लोग कलाकार का वही चरित्र बनाएंगे जो वो निभा रहा है? भाजपा भारत के कलाकारों और महिलाओं को सम्मान करती है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और काबिले एतराज है। उन्होंने इस मामले में जांच और कार्रवाई करने की भी मांग की है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले एतराज। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री नैत ने जिस तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट किया है उस पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कंगना रनौत पर कांग्रेस की ओर से की गई पोस्ट एक ज्वलंत राजनीति की शुरुआत है। उनको ये मतलब नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कंगना जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वो लोग ऐसे ही आगे बढ़े। विजयी भवा। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, आइए सुनते हैं। सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पर आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट
मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे, ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने आदेश जारी किया जल मंत्रालय को लेकर के और अब स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के उन्होंने ये आदेश जारी किया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से दवाइयों और जो टेस्ट किए जाते हैं उनको लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को खत्म किया जाए, ये आदेश दिया गया सौरभ भारद्वाज को सीधे तौर पर। जिसके बाद में सौरभ भारद्वाज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे काम करेंगे, लेकिन सवाल वापस यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब तक ईडी की हिरासत में रहकर इस तरीके के आदेश देते रहेंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन शक्ति, सैन्य शक्ति, युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति का अपमान कर रही है। दे अटैक नारी शक्ति बिकॉज इवन वन ऑफ द स्पोक्सपर्सन्स ऑफ कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत, शी हैज मेड डिस्गस्टिंग कमेंट एंड पोस्टर ऑन कंगना रनौत जी हु हैज बीन गिवन टिकट इन मंडी। सो फ्रॉम सनातन शक्ति टू देश शक्ति टू सैन्य शक्ति टू युवा शक्ति टू नारी शक्ति, अब्यूजिंग ऑल ऑफ देम जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू काउंटर बीजेपी, दिस शोज दैट दिस इज नफरत की जुबान। और वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत मंडी की बेटी है, उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त शिमला का, जहां से हमारी सहयोगी नंदनी मित्तल इस वक्त जुड़ रही हैं। नंदनी, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत पे। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे चुके हैं, उनका कहना है कि मेरे अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास में है और उन्हीं में से किसी एक ने ये पोस्ट किया है। बात यह है कि जो तीर कमान से निकल जाता है और जो बात फेसबुक या सोशल मीडिया पे आ जाती है उससे नकारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो मर्जी कहा जाए लेकिन ये बात जो है वो सोशल मीडिया पर है, इस पे टिप्पणियां आ रही हैं। सिर्फ ये कह देना कि मेरे अकाउंट का जो एक्सेस है काफी लोगों के पास है, इससे कुछ नहीं होता। क्या उनके जो टीम है उसमें ऐसे लोग हैं जो उनका भला नहीं चाहते हैं? ये सारी बातें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि ये गलती से हुआ, ये किसी और ने कर दिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो उनका स्वयं का अकाउंट था और ऐसे में वहां से कोई भी टिप्पणी होना सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सभी जानते हैं कि सीने जगत में हिमाचल प्रदेश की कई सीने अभिनेताएं हैं, चाहे हम प्रीति जनता की बात करें या फिर अभी नए नए जो है बहुत सारी लड़कियां जो है वो फैशन की दुनिया में भी हैं, सीने जगत में भी हैं। और यहाँ की लड़कियां बहुत बोल्ड होती हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई उनकी काफी ज्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी
स्टेट है जहां पर महिलाओं को बराबर का अधिकार सच में मिलता नजर आता है। यहाँ की महिलाएं सशक्त हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। यही कारण है कि आज हिमाचल की महिलाएं हर जगत में नजर आती हैं, चाहे वो सीने जगत हो, फैशन हो, स्पेस हो, खेल हो, हर जगह पर वो महिला है। ऐसे में कोई भी अभद्र टिप्पणी हिमाचल प्रदेश की महिलाएं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। उनका ये कहना है कि क्या आप इस तरह से महिलाओं का अपमान करेंगे। तो ये पूरा मामला गरमाया हुआ है मंडी के नाम को लेकर, जिस तरह की टिप्पणी सुप्रिया जी ने की कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। इस तरह की टिप्पणियां किसी भी शहर के नाम को लेकर, एक ऐसे शहर को जिसका नाम कंगना रनौत ने बहुत ज्यादा जिसको सम्मान दिया है, इस तरह की टिप्पणियां सही नहीं है और कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल जो है वो रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल पॉलिटिकल रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इस पर की जाएगी या जांच की जाएगी, इस पूरे मामले पर क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में अगर हम मंडी के क्षेत्र की बात ही करें, मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, फिलहाल वहां प्रतिभा सिंह वहां से सांसद हैं और उनकी तरफ से अभी, और वो महिला वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं हिमाचल प्रदेश में, अभी उस तरह से कोई टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि हम उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई इस तरह की पोस्ट होती है कांग्रेस के लोग घबरा कर साइड में हो जाते हैं, उसका कोई रिएक्शन हमें नहीं मिलता है। और एक तरह से जिस तरह की राजनीति चल रही है हिमाचल प्रदेश में, जब सरकार ही टूटने की कगार पर है, गिरने की कगार पर है, जो पिछले एक महीने के दौरान हमने राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में देखा है, उसके बाद कांग्रेस से कोई टिप्पणी आएगी या कांग्रेस से कोई रिएक्शन आएगा ऐसा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये पूरा मामला जो है वो उससे आए हुए भी 24 घंटे ज्यादा का वक्त कहीं ना कहीं हो गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से भी नहीं की गई है, ना ही कोई कार्रवाई की बात कही गई है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस की यही मानसिकता रहती है महिलाओं को लेकर हमेशा अपमानजनक टिप्पणी करना? एक अगर हम जनरल भारत की बात करें तो एक मानसिकता है कि जो जो महिला आगे बढ़ती है उसके पीछे खींचने के लिए उसका चरित्र हनन होता है, और वे पार्टियां जो कमजोर होती जा रही हैं वो उसका सहारा ज्यादा लेती हैं। अगर हम बात करें पिछले, जब मुझे याद है कि जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपना चुनाव लड़ने गई थी तो उनके खिलाफ भी इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई थी। तो ये सारी बातें सही है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए महिलाएं तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी महिलाओं को पीछे खींचना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका चरित्र हनन हो किया जाए ताकि कहीं ना कहीं उन्हें डिस्करेज किया जाए आगे बढ़ने में, जबकि महिलाओं का ये बिल्कुल साफ है और कोई भी सशक्त महिला को ये मालूम है कि उसका गोल कहां है और वो आगे बढ़ जाती है। कंगना रनौत की अगर हम टिप्पणी देखें उसके फेसबुक पे, उनकी ट्विटर अकाउंट पे, जिस तरह से उन्होंने इस चीज को रिएक्ट किया वो बिल्कुल सही दर्शाता है कि वो एक सशक्त महिला है और इस तरह की टिप्पणियों से घबराने वाली नहीं है। बिल्कुल वो घबराने वाली तो नहीं है, लेकिन साथ ही अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि रेखा शर्मा की तरफ से एक पत्र लिखा गया है निर्वाचन आयोग को और कहा गया है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि तभी ये सारा सिलसिला रुकेगा। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि पर्सनल टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए, जो है करेक्टर एसेसिनेशन नहीं होना चाहिए, और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है चुनाव आयोग से तो ये गलत संदेश जरूर जाता है। ये दूसरे लोगों को इंस्टिगेट, ऐसे लोगों को जो समाज में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक इंस्टिगेशन है, उनको कहीं ना कहीं ये
प्रयोग करता है कि वो इस तरह की टिप्पणियां बार बार करें, तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ चुनाव आयोग का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला आयोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह की टिप्पणियों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में महिलाओं के प्रति सम्मान रहे, महिलाओं के प्रति इस तरह का चरित्र हनन ना हो। और ये पूरा चुनाव, क्योंकि पूरा 2 महीने से ज्यादा का समय है, तो ऐसे में बहुत सारी महिलाएं हमने देखा है कि कांग्रेस भाजपा ने चुनाव मैदान में भी उतारी हैं, तो अगर इस तरह की टिप्पणियां होंगी तो ये भारत के लिए, भारत की गरिमा के लिए सही नहीं होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नंदनी तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन साथ ही आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और न्यूज 10 में भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी, हैंडलिंग माय जॉब रिस्पांसिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है, इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा, कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन, तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में। अब बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड आज खत्म हो रही है। उन्हें आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी BRS की नेता के कविता की ED हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी थी। ED ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। BRS की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को ED ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता भी इस पूरे मामले में फिलहाल जेल में हैं। और चलिए इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में नई दिल्ली से हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के आज राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी होनी है, क्या उम्मीद की जाए कि ED आज दोबारा से रिमांड मांगती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, पिछली बार जब पेश किया गया था के कविता को तो ED ने रिमांड मांगी थी और उसमें भी अगर आप पहले रिमांड एप्लीकेशन की बात करें तो कम से कम 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, वो लगभग समय पूरा हो रहा है। लेकिन एक इसमें एक बात और जुड़ गई है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उनकी न्यायिक उनकी ED कस्टडी 28 तक है, तो इस बात की भी संभावना है कि ED कुछ दिनों के लिए और के कविता की रिमांड मांग सकता है, क्योंकि अब दोनों लोगों से पूछताछ लगातार जारी है और
हमने ये भी सुना था ईडी के, ईडी ने जब एप्लीकेशंस मूव की थी तो ये देखा था कि वो काउंटर कराना चाहते हैं आरोपियों को आमने सामने बैठा करके, उनके बयानों में विरोधाभास क्यों है, इन सब चीजों को लेकर के भी ईडी ने ये कहा था कि उनको फर्दर कस्टडी की जरूरत है। तो हालांकि सुनवाई के वक्त के बाद ज्यादा साफ हो पाएगी स्थिति कि ईडी कितने दिनों की रिमांड मांगती है, या ईडी को अगर ऐसा लगता है कि अब तक के कविता से जांच से जो भी उनको जानकारी चाहिए थी, खासतौर से अरविंद केजरीवाल की भूमिका स्थापित करने के लिए, अगर वो कार्रवाई उनकी पूरी हो चुकी है तो वो न्यायिक हिरासत में भेजने का विरोध नहीं करेंगे। ये सब चीजें कोर्ट में जब उनकी पेशी होगी तो और अधिक स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये पूछताछ बहुत क्रूशियल रही ईडी के लिए, क्योंकि आप देखें कि कविता की को अरेस्ट करने के बाद ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर हाथ डाला। उससे पहले ईडी लगातार ये कह रही थी कि हम ना तो ये बता रहे हैं कि वो आरोपी के तहत केजरीवाल को समन कर रहे हैं या गवाह के तौर पर, लेकिन जैसे ही कुछ दिन पूछताछ की है ईडी ने के कविता से, उसके बाद सीधे अरविंद केजरीवाल को आरोपी बना करके अब ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। उनकी भी जो कस्टडी है, रिमांड है, वो अभी दो दिन और बचे हैं 28 तक, वो भी ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। जी, अब विकास अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी झटका के कविता को मिल चुका है जमानत को लेकर के, तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किस तरीके से वो अपनी दलीलें रखती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि आप भले ही नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कानून सबके लिए समान है। ये गलत मैसेज होगा कि अगर आप सीधे फोरम से जंप करके सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगेंगे, ट्रायल कोर्ट जाइए। तो जाहिर है उन्होंने उसके बाद वहां पे एक अपनी जमानत याचिका लगाई भी है, लेकिन पीएमएलए में हमने देखा है कि निचली अदालतों से जमानत मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि जो उसकी एक पीएमएलए एक्ट में ट्विन कंडीशन होती है जो बहुत सख्त कंडीशन है। निचली अदालतें अक्सर जमानत देने से उससे बचती रही हैं, भले अब जमानत पर बहस होगी, राहत की उम्मीद बहुत कम है। ये हमने पहले संजय सिंह और उससे पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मामले में भी देखा है कि जो ट्विन कंडीशन है इस पर हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर विरोध करते हैं जमानत का, और अदालतें राहत, निचली अदालतें कम से कम राहत नहीं देती हैं। तो जमानत याचिका अभी उनकी दाखिल है, उस पर बहस भी होगी, जाहिर है वो अपना मत स्पष्ट करेंगे, लेकिन राहत की मैं बात करूं तो बहुत कम उम्मीद है कि लोअर कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। चलिए विकास, आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज 10 में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। और 24 की चुनौती में चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम महाराष्ट्र की, जहां महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना 16 नामों की सूची जारी कर सकती है। और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के समूह में शामिल कांग्रेस ने महाराष्ट्र में फिलहाल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। एमवीए के एक अन्य घटक राकंपा ने अभी तक अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। साथ ही आपको बता दें कि एमवीए इंडी गठबंधन का सदस्य है, लेकिन अभी तक इसने अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। और बताया यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पूर्ण सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं कर्नाटक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जनता दल की ओर कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद जेडीएस मांड्या, हासन और कोलार लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी मांड्या से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की भी उम्मीद है। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष दुर्गापुर बर्धमान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने आज से अपने चुनावी क्षेत्र में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार की शुरुआत की है।
और इसी के साथ 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अब रुक करते हैं अन्य खबरों का, जहां शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके मद्देनजर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर और अन्य जगहों पर पुलिस की तैनाती और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो वर्किंग के लिए आते हैं उनको कोई समस्या ना आए, इसलिए किसी भी मेट्रो स्टेशन पे हमने बोर्डिंग डीबोर्डिंग को बंद नहीं किया है। सब मेट्रो स्टेशन उसमें चल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपने बंदे उसमें लगाए हुए हैं कुछ मेट्रो स्टेशन पे, स्पेशली जैसे पटेल चौक पे या लोकल लैंडमार्क पे, वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे और जो कॉमन है उनको सबको जाने देंगे। आम ट्रैफिक चलता रहेगा सब जगह पे, किसी को कोई समस्या ना आए इसको मद्देनजर रखते हुए किसी रोड को डाइवर्ट या ट्रैफिक से हम अलग से बात कर लेंगे उस विषय में, बट अभी जो रोड सड़कें चल रही हैं वो सड़कें चलती रहेंगी। ठीक है। और वहीं दिल्ली में आज विशेष कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर यातायात प्रभावित रहेगा, इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। आम आदमी पार्टी के संभावित प्रदर्शन को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। एडवाइजरी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी वाहन को कहीं भी रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जनता के लिए सामान्य प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अगर संभव हो सके तो कमाल अतातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग से की ओर जाने से बचें और बाईपास ना जाएं। वहीं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। एडवाइजरी में आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी है कि वो धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर प्रवेश और निकास अगली सूचना तक बंद रहेंगे। तो सुरक्षा कारणों की वजह से यह अहम फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। भाजपा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में आईटीओ से होते हुए दिल्ली सचिवालय तक ये विरोध मार्च कर रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। और न्यूज 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज 10 में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुख की हेडलाइंस पर।
कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान, सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट कर दी सफाई। बीआरएस नेता के कविता की ईजी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार, उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमला, इलाके में कई बम धमाकों की भी खबर। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास, अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से, वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। और चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 7 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को पूरा कर लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि उनकी सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 7 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये 7 वर्ष नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के सृजन को समर्पित रहे हैं। लोक कल्याण के पथ पर चलते हुए डबल इंजन सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता जनार्दन और सभी सहयोगियों का सहयोग समर्थन के लिए आभार। होली की मंगलमय शुभकामनाएं। और चलिए खबरों में बढ़ते हुए आगे, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां धार के ऐतिहासिक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। आज 5वें दिन भी सर्वे का काम जारी है। सर्वे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा 22 मार्च से वैज्ञानिक आधार पर भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर केमिकल ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल ले रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई कर कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जा रहा है। और वहीं दमोह के पटेरा इलाके के पास कल एक कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज दमोह के जिला अस्पताल में चल रहा है। पटेरा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें करीब 5 लोग बैठे हुए थे जो हरपालपुरा और बेला के निवासी थे। 5 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेजा गया, जिनमें से एक व्यक्ति की पटेरा सीएससी में ही मौत हो चुकी है
बाकी चार को जिला अस्पताल दमोह के लिए रेफर किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनमें से दो लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। और चलिए न्यूज 10 में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने आज तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे क्षेत्रों और गंगा के मैदानी इलाकों में लगातार वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार तक हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो दिन तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। वहीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई से सितंबर तक जब मानसून चरम पर होगा तब भारत में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जलवायु केंद्र ने भारत के लिए मानसून का इस साल का पहला पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें अप्रैल से जून तक और जुलाई से सितंबर के लिए दो अलग अलग आंकलन किए गए हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र से ने जुलाई से सितंबर के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा कि पूर्वी अफ्रीका से अरब सागर तक भारत में बंगाल की खाड़ी, इंडोनेशिया, कैरिबियन सागर, ध्रुवीय उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणवर्ती प्रशांत क्षेत्र में औसतन सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि एल नीनो के कारण इस वर्ष भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गर्मी के मौसम के बाद एल नीनो निष्क्रिय होने की संभावना है। वहीं ला नीना के कारण भारत में मानसून के उत्तरार्ध में अच्छी वर्षा हो सकती है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को फिलीपींस की मनीला खाड़ी पहुंचा। ये एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाजों की यात्रा एक व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य ICG समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करना और फिलीपींस तट रक्षक के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अलावा आसियान क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण के प्रति साझा चिंता और संकल्प करना है। ICG जहाज भारत आसियान पहल के हिस्से के रूप में 25 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक आसियान देशों अर्थात फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई में विदेशी तैनाती पर है। इससे पहले वर्ष 2023 में ICG प्रदूषण नियंत्रण पोत ने कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया का भी दौरा किया था। और न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके साथ ही देश में अरबपतियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ रही है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के मुताबिक देश में 1,319 लोगों के पास 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दौलत है। एक साल में इस लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या में 216 की बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 278 लोगों को पहली बार जगह मिली है। यह पहला मौका है जब इस लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या 1300 के पार कर गई है। पिछले 5 साल में इस संख्या में 76% तेजी आई है। वहीं दूसरी ओर चीन और ब्रिटेन में अरबपतियों की संख्या में गिरावट आई है।
जबकि यूरोप में अभी स्थिरता है। हुरुन ग्लोबल के चेयरमैन रूपर्ट हुगेवर्फ का कहना है कि ये ट्रेंड ग्रोथ में महत्वपूर्ण असमानताओं को दिखाता है। हुरुन ग्लोबल एक रिसर्च ग्रुप है जो दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट प्रकाशित करता है। 1998 से अमीरों के आंकड़े जुटाने वाले हुगेवर्फ का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय कारोबारियों में काफी अधिक आत्मविश्वास दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबारी मानते हैं कि अगला साल बेहतर होगा, जबकि चीन में उन्हें लगता है कि अगला साल बदतर होगा। यूरोप में भी कुछ खास उम्मीद नहीं दिखती है। और चलिए न्यूज 10 में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपनी 125वीं बोर्ड मीटिंग में 7 अन्य नियमों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाजार बीमा सुगम को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद से इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। अब से इंश्योरेंस खरीदने के लिए लोगों को हर कंपनी की वेबसाइट या कंपनी के एजेंट से संपर्क ही एकमात्र रास्ता नहीं है। बीमा सुगम के जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कहना है कि समूह 2030 तक 70% हरित ऊर्जा की ओर बढ़ जाएगा। जमशेदपुर में XLRI जेवर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए चंद्रशेखरन ने कहा कि समूह की प्राथमिकताएं सरलीकरण, तालमेल, स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन है। ये ईमानदारी, ठोस रणनीति, महान कार्यान्वयन, सुशासन और निरंतर अभ्यास के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। IIFL फाइनेंस लिमिटेड और JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड की नियमकीय अवहेलना के मामलों में RBI विशेष ऑडिट शुरू करेगा। IIFL फाइनेंस को स्वर्ण ऋण मुहैया करवाने से रोक दिया गया है, जबकि JMFPL को शेयर या डिबेंचर के लिए कर्ज देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। RBI ने इन दोनों इकाइयों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि विशेष ऑडिट पूरा होने और इन खामियों को संतोषजनक ढंग से हल किए जाने के बाद इनके कारोबार पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। नियामक ने इन दो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विशेष ऑडिट के लिए इच्छुक ऑडिट फर्मों के लिए ई टेंडर जारी किया है। सेबी ने फंड हाउस के लिक्विडिटी का आकलन करते समय कम से कम 20% इलिक्विड स्टॉक को नजरअंदाज करने को कहा है। इसका लक्ष्य ये है कि माइक्रो कैप को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि वे आने वाले कल के मल्टीबैगर्स में बदल सकते हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने मैसेज पिनिंग फीचर को अपग्रेड किया है। अब यूजर्स एक चैट में 3 मैसेज को पिन कर सकते हैं। पिछले सप्ताह ऐप के बीटा वर्जन में इस फीचर को स्पॉट किया गया। मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म पहले यूजर्स को केवल 1 मैसेज पिन करने की अनुमति देता था। टेक्स्ट मैसेजों के अलावा मेटा ने कंफर्म किया है कि यूजर्स अब मीडिया, वॉइस नोट और इमोजी को पिन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का दावा है कि ये फीचर पर्सनल और ग्रुप चैट दोनों में उपलब्ध है। और वहीं इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। तेज गति से हुए आर्थिक विकास ने रोजगार की संभावनाओं को और भी बढ़ाया है, जिस वजह से संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती नजर आ रही है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लगातार गिर रहे चीनी बाजार का विकल्प तलाश रहे हैं और भारत उसके लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में भारत की जमकर तारीफ की। WEF के वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली केंद्र के प्रमुख मैट ब्लेक ने कहा कि नीतिगत बदलावों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वजह से भारत वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है। IMF ने भी भारत के ग्रोथ रेट को रिवाइज कर बढ़ाया, तो वहीं मूडीज जैसी कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर ग्रोथ रेट में इजाफा किया है। वहीं बेहतर आर्थिक विकास रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में 16.02 लाख सदस्य जोड़े गए हैं।
वहीं जनवरी 2024 में पहली बार करीब 8.08 लाख सदस्यों ने नामांकन कराया है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्य ज्यादा हैं। इन नए सदस्यों में करीब 2.05 लाख नई महिला सदस्य हैं, जो संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। और यही वजह है कि भारत दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था, समथिंग ग्रेट। पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट, SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज 10 में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख करते हैं, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीयों के स्थायी मिशन द्वारा बताया गया कि न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति में 68वें आयोग में भारत द्वारा मजबूत पक्ष रखा गया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीयों के स्थायी मिशन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया कि न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर 68वें आयोग में भारत ने प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत द्वारा पैनल में अपने विचार रखे गए और सशक्त पहल की गई। इस वैश्विक मंच पर भारत ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व किया। आगे इसमें बताया गया कि इस बार भारत द्वारा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर प्रस्तुति दी गई और इस तरह भारत ने महिला सशक्तिकरण को लेकर वैश्विक मंच पर भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। और चलिए न्यूज 10 में आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहले बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करेंगे। दरअसल पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट PNS सिद्दीकी पर हमला हुआ है और इस नौसैनिक हवाई स्टेशन पर कुछ समय तक गोलीबारी हुई। वहीं इस क्षेत्र में कई बम धमाकों की भी सूचना मिली है। स्थानीय न्यूज प्लेटफॉर्म द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की मजीद ब्रिगेड ने ली है। मालूम होगी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का लगातार विरोध करती रहती है और चीन और पाकिस्तान पर क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने का भी आरोप लगाती है। BLA ने दावा किया है कि उसके लड़ाके एयरबेस में घुस गए हैं। तो वहीं हमले के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी कैच ने टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत में आपातकाल लगा दिया और सभी डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर आने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पिछले रुख से हटकर इस बार वीटो नहीं किया है। सुरक्षा परिषद ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी मांग की है। कई असफल प्रयासों के बाद अक्टूबर में लड़ाई शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि परिषद ने संघर्ष विराम का आह्वान किया है। अमेरिका का यह कदम गजा में युद्ध के मुद्दे पर उसकी इसराइल से बढ़ते मतभेद का संकेत देता है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि अमेरिका ने अपने पिछले रुख को छोड़ दिया है।
उसने कहा कि अफसोस की बात है कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गजा में जब तक बंधकों को रखा जाएगा वो लड़ाई नहीं रोकेगा। और न्यूज एट 10 में आगे बढ़ते हुए बात खेलों की कर लेते हैं, जहां आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होंगी। चेन्नई और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अब तक एक एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों ही टीम को जीत हासिल हुई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज एट 10 में मेरे साथ इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।